कुछ भाई गलती कर देते हैं, जब ये डायवर्टर फिट करते हैं आपको देखने से मालूम पड़ ही गया होगा कि कौन सी कंपनी का डायवर्टर है। तो गाइस इसको फिट करते टाइम जब इसकी फिनिशिंग हो जाती है, टायर वगैरह लग जाती है, तो क्या होता है इसकी जो प्लेट होती है थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाती है, थोड़ी बहुत आगे रह जाती है, स्पाउट हमारा आगे वो नीचे रह जाता है या स्पाउट का मुंह ऊपर को हो जाता है, मतलब वो इस तरीके की गलती कर देते कुछ भाई। तो उसको किस तरीके से सेट करना हो, जब हम इंटरनल करते हैं इसकी पाइप फिटिंग करते हैं तब हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना होता है। तो किस तरीके से सेट करना है ये आज मैं इस वीडियो को अच्छे तरीके से बताऊँगा। और बाथरूम का डायवर्टर जो होता है मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा कि कितना कहाँ कितना अपना दीवार से बाहर रहना चाहिए और कितना हमारा दीवार के अंदर रहना चाहिए, चाहे आपका वॉशिंग मशीन डायवर्टर हो चाहे आपका बाथरूम डायवर्टर। तो अब मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा, हमारे पास स्प्रिट लेवल होना चाहिए जिसके जरिए से हमें इसको सेट करना, और ये बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत आउट वगैरह नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास जो स्प्रिट लेवल है इसके साथ इसकी सारी की सारी सेटिंग करेंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। तो गाइस ये हमारा डायवर्टर लगा हुआ है, बेसिन डायवर्टर है, तो इसको किस तरीके से सेट करना है दीवार के अंदर बहुत ज़्यादा, और हमें किस तरीके से आइडिया लगाना होगा कि हमारे ये जो ये डायवर्टर है हमारा दीवार के अंदर रहेगा कैसा रहेगा, बाहर रहेगा कैसा रहेगा, बाद में हमें दिक्कत तो नहीं आएगी, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो हमें क्या करना है, पहले हमें इसको लेवल को ऊपर रख लेना है। ऊपर रख लेने के बाद हमें यहाँ पे चेक करना है, दिख रही है दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे स्प्लिट लेवल के हिसाब से देखना है इसको किस साइड से डाउन और किस साइड से अप है। तो इस ये साइड जो है इस डायवर्टर की डाउन में है, तो इसको किस तरीके से सेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लेवल रख लेना है, और इस लेवल के लिए जैसे कोई भी पिक्चर ले लें, कोई भी ईंट की छोटी सी रोड़ी ले लें, और इस तरीके से इस साइड से डायवर्टर के नीचे पसा करके इसको लेवल कर लेना, जैसे कि मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल लेवल हो चुका है, ये देखिए अभी लेवल हो चुका है। अब आपको मालूम कैसे पड़े कि ये मेरा डायवर्टर आगे से स्पाउट को उठा के रखेगा कि डाउन रखेगा, फिर हमें क्या करना है ये फ्रंट साफ करना है। सबसे पहले एक चीज़ और बताता हूँ, और जब भी ये डायवर्टर हमें कंपनी की ओर से मिलता है तो हमें इसकी एलकी के साथ इसके नट वगैरह टाइट कर लेनी चाहिए। जब नट टाइट हो जाए तब ये दिक्कत कभी भी नहीं आई, क्योंकि नट टाइट होते तो ये जो इसका कवर है ये हिलता नहीं, मतलब ये बिल्कुल लूज़ नहीं होता। अगर ये लूज़ रह गया तो आपका डायवर्टर चाहे सही हो तो आपका ये कवर डाउन होगा, तो उस चीज़ से आपको बहुत दिक्कत आएगी। आपको पूरे नट वगैरह अच्छे से टाइट कर लेने, जैसे कि मैं ये टाइट कर रहा हूँ, तो आपको पूरे अच्छे तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखना होगा ऐसे टाइट करके। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फिनिश लेवल, मतलब मैक्सिमम ये दीवार के अंदर कितना आना चाहिए, या मिनिमम हमारा दीवार से बाहर कितना रहना चाहिए, हम अंदर कितना रहना चाहिए। इसमें ये देखिए यहाँ पे लेवल लगा हुआ, ये निशान सॉरी निशान लगा हुआ, क्योंकि इसके अंदर लेवल नहीं आता सिर्फ निशान, ये इसकी फिनिशिड, मतलब ये जो कवर है इस कवर को, मतलब आपने दीवार से कम 5 या 6 mm दूर रखना है, जैसे कि हमने कर रखा है यहाँ पे इतना दूर रखा है, हमारा इतना प्लास्टर आ जाता है कम से कम 1/2 inch का, तो प्लास्टर आ जाता है। जब प्लास्टर आ गया तो हमारी जो टाइल आ जाती है बिल्कुल इस किनारे के बराबर आ जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो अभी मैंने आपको ये लेवल बता दिया कि यहाँ पे मतलब जो भी फिनिश लेवल है यहाँ पे स्पाउट अपना डायवर्टर कितना दीवार में रखना है नहीं रखना वो आपको मैंने बता दिया। तो ये इस कवर के हिसाब से चलना है, इस कवर को आपने दीवार से 5-6 mm दूर रखना है, जिससे कि क्या होता है 1/2 inch का प्लास्टर जो पूरे अच्छे तरीके से इस जगह पे आ जाता है। जब 1/2 inch का प्लास्टर आ गया उसके बाद आ जाती हमारी टाइल, तो ये हमने हमारा यहाँ पे मैक्सिमम इतना गैप है जो कि हमारा टाइल लगने के बाद भी डायवर्टर की जो किनारी थोड़ी थोड़ी बाहर रहेगी। तो यहाँ पे ये डब्बी दे रखी है, डब्बी के जितना भी हम अंदर यहाँ पे इस किनारे तक हमारा डायवर्टर बाहर रह जाए कोई दिक्कत नहीं, और इस किनारे तक हमारा अंदर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस किनारे से अंदर ज़्यादा चला जाता है तो हमें दिक्कत आती है फिनिशिंग प्लेट लगाने में, और अगर हमारा डायवर्टर बाहर रह जाता तभी भी हमें दिक्कत आती है क्योंकि फिनिशिंग प्लेट दूर रह जाती है दीवार से। तो इस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो हमने ऊपर से लेवल कर लिया, बिल्कुल सेट आ रहा है बिल्कुल इसमें, तो इसको पूरे अच्छे तरीके से अगर ना भी सेट आए तो इसको ऐसे ही सेट करना पड़ता है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, वैसे आपका स्पाउट आगे से ऊंचा ना रहे नीचे ना रहे उस चीज़ को ऐसे ध्यान में रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे लेवल दे रखा है, इधर से देखिए यहाँ पे लेवल दे रखा है,
किस लेवल के हिसाब से हमें चलना होगा। जैसे कि देखिए मेरा डायवर्टर जो है थोड़ा सा नीचे की साइड, मतलब स्पाउट को नीचे वो खेलेगा, तो इस चीज़ को किस तरीके से सेट करना है। मैं इसको जैसे हुक वगैरह लगा रखी थी, मतलब पक्का कर रखा था, इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद ऊपर की जो सतह है इसको हम अंदर वो करेंगे और नीचे वाली जो सतह है इसको बाहर कर देंगे। मतलब यहाँ पे देखिए आपको पूरा लेवल रख के पूरे अच्छे तरीके से चेक करते रहना पड़ेगा और आपको अच्छे से मालूम भी पड़ता रहेगा कि क्या हमें करना और क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने सारा का सारा सेट करके दिखाता हूँ। हमारे पास स्प्लिट लेवल जरूरी है, जो लेवल होता है हमने हाइट तो बिल्कुल सेट कर दिया। और आप इसके बाद हमने क्या चेक करना है, ये वाली चीज़ चेक करनी है कि आगे से अप डाउन ना रहे। तो इस चीज़ को सेट करने के लिए हमें ये पाइप है जो इसको, जैसे मान के चलो मेरे नीचे का हिस्सा थोड़ा अंदर हुआ है, तो अगर मैं अंदर गया तो स्पाउट का जो आगे का मुँह ऐसे नीचे को दिखा देगा। तो हमें यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा सा इसको मेनटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ से कोई ना कोई स्ट्रक्चर लगा लीजिए, ईंट की जो छोटी मोटी डली होती है उसको लगा दें। उसको लगाने के बाद ये लेवल बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा। तो टाइम जरूर लगता है बट इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। अगर आप ध्यान में नहीं रखते तो आपको ये आगे आने वाले टाइम में, जैसे कि आप अपने डायवर्टर तो फिट कर देते हैं पर बाद में आपको इस चीज़ की दिक्कत आती है। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से सेट करके इसको पक्का कर देंगे, जिससे ही आने वाले मिस्त्री भी इसको अगर छेड़ा छेड़ी करते हैं कोई भी तो ये हमारा ख़राब नहीं रहेगा, मतलब गलत नहीं हुआ कभी, मतलब मसाला भी हम इसमें मार डाल के ही छोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ये कर दिया, देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से सेट कर रहा हूँ जिससे ये दिक्कत परेशानी वाला काम ना आए, बाद में भी कोई दिक्कत इसमें ना आए। तो अभी यहाँ पे इसको सेट किया है, चेक कर लेते हैं ये सेट हुआ है या नहीं हुआ। अभी भी इसमें थोड़ा सा अंतर गैप है, इसको सेट करने के लिए यहाँ पे हमें जो हमने हुक निकाली थी अभी, तो उस हुक को अभी लगाएंगे दोबारा से। इसको सेट करके देखा है तो इसको हम चेक करते हैं कि ये मेरा कंप्लीट फिनिशिंग सेटिंग आई है या नहीं आई। तो गाइस ये हमारा डायवर्टर बिल्कुल रेडी है, ऊपर की प्लेट भी बिल्कुल कंफर्म सेट आएगी और साइड का लेवल भी बिल्कुल कंफर्म सेट है। और ऊपर से भी हमारी पट्टी को चेक कर लिया जाता है, जैसे कि हमने लेवल को पूरा दीवार के साथ लगा करके और इसके यहाँ आगे वाली पट्टी का गैप देख लेते हैं कि गैप हमारा कहीं आगे पीछे नहीं है, तो बिल्कुल ये सेट है। तो यहाँ से इस तरीके से साइड से भी चेक करवाते हैं, देखिए ये हमारा डायवर्टर बिल्कुल सेट है। इधर आप देखिए आप ये देखिए ये हमारा डायवर्टर बिल्कुल रेडी है।
तो गाइस इसी तरीके से इसको हमें सेट करना चाहिए। और इसके बाद ये हमें पता लग गया, हमने इसको कन्फर्म कर लिया कि हमारा बिल्कुल इस जगह पे सेट है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास क्रशर होता है, क्रशर उसके साथ हमने इसको अच्छे से गलाई करनी, मतलब अपने हाथ से ले लिए, चाहे आप करनी का यूज़ कर लीजिए, करनी तो है बट हाथ से, अगर ये करनी तो मेरे पास है बट हाथ से अगर लगाएंगे तो इसकी मजबूती थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि मसाला वगैरह पूरे अच्छे तरीके से इसमें भर जाता है। इस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से आपने ध्यान में लेना है और इसको सेट करके रखते हैं। बाद में चाहे प्लास्टर वाला मिस्त्री होता है, प्लास्टर करता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि प्लास्टर मिस्त्री होता है, कोई उसका मसाला या कमी लग गए या कोई भी उसका टूल वगैरह लग गया, चाहे उसका हाथ ही लग गया, हमने थोड़ा सा अटकाव वगैरह अटका कर इसको सेट किया है, तो मिस्त्री वो इसको करेगा तो वो जोर जोर से मसाला लगाएगा, तो जोर जोर से मसाला लगाएगा उससे इसका हिलने डुलने का डर रहेगा। अगर ये हिल डुल गया तो आपका बाद में फिनिशिंग प्लेट बहुत बेकार चला जाएगा, तो इस चीज़ को पूरा अच्छे तरीके से आपको मेंटेन में रखना है। तो इसके बाद मैं भी दिखाता हूँ गाइस, ये हमने किया अभी वॉश बेसिन डायवर्टर और बाथ डायवर्टर किस तरीके से सेट किया जाता है वो मैं अभी आपको बताएंगे। पहले इसको हम इस जगह पर सेट करते हैं, ये देखिए अपने हाथ से जब मसाला डालते हैं तो हमारा हाथ पूरे अच्छे तरीके से उसके मसाला दे देता है, गीला सा मसाला हो और अच्छे तरीके से देखिए ऐसे भर दिया जाता है। इसके बाद में आपको ये चीज़ तो कन्फर्म होगी कि हाँ मैंने इसको सेट कर रखा है, बाद में इसकी फिनिशिंग प्लेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप भी इसी तरीके से करें जैसे मैंने करके आपको दिखाया। अगर आपने इसका लेवल वगैरह नहीं सेट किया तो बाद में आपको परेशानी 100% आएगी, क्योंकि इस चीज़ को मुझे ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए मैंने जो बेसिन डायवर्टर बिल्कुल रेडी है, अब हम दिखाते हैं आपको बाथरूम डायवर्टर उसका किस तरीके से ध्यान रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे इसी बाथरूम के अंदर बेसिन डायवर्टर की जगह और बाथरूम डायवर्टर भी लगा हुआ है। तो वो तो गाइस ये था हमारा बाथरूम डायवर्टर, इसको किस तरीके सेट रखना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कोई लेवल नहीं होता या लेवल लगाने के लिए कोई जगह नहीं दी गई है, बट कंपनी को चाहिए इसमें भी एक लेवल वगैरह दें कि जिससे ये प्लम्बर को आसानी हो जाए। बाद में क्या होता है अगर फिनिशिंग प्लेट थोड़ी सी भी टेढ़ी रह जाती वो डायवर्टर देखते कौन सी कंपनी का है तो सीधा कंपनी पे डाउट जाता है, बट लगाने वाले का मेन इशू होता है। बट इसमें अब हमें क्या ध्यान रखना है, जब हमारा ये झीरी कटिंग करते हैं, जब हम 6 इंची का ब्लेड डाल के कटिंग करते हैं, हमें कन्फर्म होता है कि हमारी पाइप वगैरह उतनी ही बाहर रहेगी या उतनी ही अंदर रहेगी। तो उस चीज़ का आपको ऐसे ध्यान, जैसे आपने शावर का पॉइंट उठाया है, जिस लेवल पे हमारे शावर का पॉइंट दीवार के अंदर आ रहा है, मतलब ये झीरी जो पाइप है दीवार के अंदर आ रही है, तो उसी लेवल पर ये हमारा स्पाउट का लेवल होना चाहिए। मतलब जो दीवार के अंदर जितना भी ये पाइप रहता है उतना ही हमारा स्पाउट का रहना चाहिए, उतना ही हमारा साइड का हॉट एंड कोल्ड का रहना चाहिए। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि क्या होता है कि इससे हमें मालूम पड़ जाता है, अगर ये देखिए हम यहाँ पे ऐसे कर दे इसको बाहर कर देते फिर क्या होगा कि इसका लेवल आउट हो जाता है, स्पाउट का मुँह ऊपर को चला जाता है। यहाँ ऐसे करते हैं, चाहे हम हुक वगैरह लगा करके सेट तो कर लेते हैं बट उस चीज़ से पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। बट जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको लेवल का मालूम पड़ जाएगा, इस तरीके से आपको चेक करना है कि हमारी पाइप बाहर कितनी अंदर कितनी है, उस हिसाब से डायवर्टर पूरे अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। तो गाइस ये हमारा कन्फर्म था, हमने पहले से फिट करके रेडी कर रखा था, इसका लेवलिंग वगैरह चेक करने की नहीं ज़रूरत पड़ती। हाँ बस इसका ये देखना पड़ता है कि ये हमारा स्पाउट का पॉइंट जो बाहर तो नहीं है अंदर तो नहीं है, इस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होता है। तो गाइस इसको मैं पक्का कर देता हूँ, क्योंकि मिस्त्री का कोई पता नहीं है कहाँ पे क्या काम हो जाता है, तो हमें भी यहाँ पे गाइस अगर आप हाथ से करते तो आप भी जब करें तो ग्लव्स डालें, क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं डाले, इससे हाथ में जख्म होने का खतरा बहुत होता है, क्योंकि मेरे पहले एक बार हो चुका था, बट यहाँ जो साइड काफ़ी बड़ी है और यहाँ से दुकान पर जाना ग्लव्स लगाना लेना उसका थोड़ा सा काफ़ी इशू ही रह जाता है, क्योंकि थोड़ा सा आलस भी है क्योंकि काम करते टाइम किसी का मन नहीं करता ही काम छोड़ करके जाए और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा या जाने आने का झंझट, इसीलिए मैं ग्लव्स नहीं ला पाया।
तो गाइस ये हमारा तकरीबन काम रेडी हो चुका है। सो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? डायवर्टर वगैरह फिक्स करना, बाथ डायवर्टर फिक्स करना कैसी वीडियो लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेहनत तो बहुत होती है यार, काम करते टाइम वीडियो बनाना बहुत बड़ा आफत वाला काम लगता है, क्योंकि खुद ही के हाथ ख़राब हों और साथ में हेल्पर भी है, साथ में ये मेरा हेल्पर है जिसने कैमरा पकड़ रखा है, तो हेल्पर को भी साथ में बिजी रखना काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भाई चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।